वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की मेरी टॉपिक है कि किसी भी कॉलेज का आखिर अलॉटमेंट हुआ है तो वो किस रैंक पे आधार पे हुआ है, क्या उसका मार्क्स गया है, क्या एक कट ऑफ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक ओवरव्यू, जैसा मैंने कमेंट पढ़ा है आज तक, बहुत सारे यूट्यूब पर भी मैंने सर्च किया है, या बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया, लगभग 2000 के आसपास कमेंट है मेरे पास कि इतने मार्क्स पर ये कॉलेज मिला, इतने मार्क्स पर नहीं मिला। मैंने देखा है कि 45 मार्क्स है उनका भी एडमिशन हो गया, जिनके 100 मार्क्स है उनका भी एडमिशन नहीं हुआ, यानी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। जिनके 101 मार्क्स है उनका भी कॉलेज नहीं मिला। तो अब सोचिए, और जिनके 42 मार्क्स है, यानी कि 42 जो पास मार्क्स था हमारा, उतने पे भी उनको कॉलेज मिल गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, आखिर उन्होंने कुछ तो एक निर्धारित किया होगा ना, तो क्यों हुआ है, तो उसका मैं आपको एक विस्तार से बताऊंगी कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने NOU तो पिछले बार निकालता भी था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला है, इसलिए एग्जैक्ट कोई नहीं जानता। अगर आपसे कोई दावा करता है कि मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ, तो एग्जैक्ट कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको पुरानी नोटिस पढ़कर बता देती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कि CET BEd में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालयों के चयन के लिए असीमित विकल्प है, यानी कि बहुत कम विकल्प है, यानी जितना ज़्यादा हो सके उतना विकल्प है। इसके लिए अभ्यर्थी अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन करें ताकि उनका नामांकन सुनिश्चित हो सके। तो मैंने दोबारा आप लोगों से अपील भी किया था, प्लीज़ 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चुनें, जो आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है उसका प्रेफरेंस 1 से 10 तक दे दें, बाकी जितना कॉलेज चुने जाए कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होगा। लेकिन बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं चुनूंगा, और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी है कि चुना था 10 लेकिन उन्हें दिखा रहा है अभी अलॉटेड सीट 5। तो इस प्रकार से भी उनको दिखाया जाए, यानी कि उन्होंने 5 कॉलेज ही इस तरीके से चुना था, तो दिखा रहा था आपके ज़्यादा नंबर थे फिर भी आपने कम कॉलेज चुना। लेकिन चलिए ठीक है, तो पासवर्ड से लॉगिन आईडी रिसेट कर सकते, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, TGT PGT आगे जाकर आपको भविष्य में काम दे। चलिए खैर देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर कास्ट के लिए, हर शेड्यूल कास्ट के लिए या हर कास्ट के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में चुनते हैं, यानी कि PWSC ही चुनते हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज, या पटना ट्रेनिंग कॉलेज ही आप चुनते हैं, या मुजफ्फरपुर का आप तुर्की कॉलेज ही चुनते हैं, तो चलिए उसमें सीटों की संख्या हुई आपकी 100, आपके मार्क्स आए थे 100। तो एक बात मैं बता दूं, तो टॉपर थे 111 पे, 111 पे टॉपर थे। तो इस बीच में ज़रूरी थोड़ी है कि 11 आदमी ही टॉप किए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिनका 103, 102, 104 इस तरीके से मार्क्स आए होंगे, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा आपके साथ। तो वहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ निर्धारित है कि सीटें सबके लिए रिजर्व थी, रिजर्व सीट में उसको मिल गया, आपसे ज़्यादा वाला नंबर वाले को मिल गया, लेकिन आपका मार्क्स जितना आया शुरू से उन्होंने उठा लिया, जिसका जिसका मार्क्स ज़्यादा था, और आपका मार्क्स मान लीजिए कि उन्होंने 102 रखा होगा, 102 तक उन्हें 5% मिल ही जाएंगे, तो वो आपको क्यों चुनेंगे, इसलिए मैं आपको बोली थी कि दो। तो इसी तरीके से सारे के सारे आपको रिजर्व लिस्ट ऑलरेडी कार्ड थे, इस हिसाब से भी उन्होंने किया होगा कि इतने सारे क्या थे, ऑलरेडी रिजर्व थे, तो रिजर्व में नंबर लाने वालों को जिस जहाँ तक उन्होंने सोचा होगा कि सबसे ज़्यादा, यानी कि उन लोगों ने पता लगाया होगा कि कॉलेज वाले, यानी कि सबसे हाईएस्ट, मान लीजिए कि आप SC कैटेगरी से हैं, आपके मार्क्स आए 96, ठीक है, तो आपको 96 वाले उस कॉलेज का अगर निर्धारित किए होंगे कट ऑफ, तो वो क्या करेंगे, 96 वाले को लेंगे, 95 को लेंगे, 94 को लेंगे, अगर उनका 16% भर जाता है तो फिर वो जितने भी नंबर आपके आए वो नहीं लेंगे। तो इसी के लिए सारे के सारे कास्ट, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, वो सारे भरे, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व सीटें थी, उसके हिसाब से भी इन्होंने लिया। आपने देखा था कि एन मौके पर उन्होंने अपना CML रैंक सबका चेंज कर दिया, तो क्यों किया, इसके पीछे भी कुछ खेल है, लेकिन इतना भी खेल वो नहीं खेलता है, तो आप इस बात से खफा मत होइए कि आपका नहीं हुआ, हाँ ये गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि 3000 पेमेंट करके और मैं अपना सीट अलॉट रखूं, तो आपको जो कॉलेज आगे मिला है, क्या पता कल को वो कॉलेज भी ना आपको मिले, इसलिए कृपया कर आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको रख लीजिए, अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है तो ही इस कॉलेज को आप दूर कीजिए। तो इस तरीके से कॉलेज कट ऑफ का निर्धारित हुआ होगा, एक एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता रही हूँ, बस
हो सके तो आपको मेरी ये बातें सही लगे, हो सके तो मेरी बातें आपको गलत भी लग सकती है। इसलिए अगर आपका 100 मार्क्स है, वहीं पे एससी कास्ट वाले का 88 मार्क्स है, उनका भी एडमिशन हो चुका। आप देखिए ना, आप मेरे हर कमेंट के नीचे आप देखिएगा कि मेरा 86 था, मेरा हो गया, मेरा 66 था, हो गया। तो उस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ, इस कॉलेज के पीछे छोड़कर आर्यभट्ट कॉलेज में बहुत सारे बच्चों ने भरा ही नहीं होगा, तो वहाँ पर उस बच्चे को मिल गया। तो वो लोग सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले को, क्योंकि उनके पास एक कंप्यूटर डाटा रहता है, हाईएस्ट मार्क्स वाले से उससे थोड़ा बहुत नीचे उठाते हैं और इतनी सारी सीटें रिजर्व रहती है, उस रिजर्व सीटों में ले लेते हैं। वही बच्चा देखिए सेकेंड, इफ अगर अगर उन्होंने बोल दिया है अगर सेकेंड काउंसिलिंग होगी तो ही आपको मौका मिलेगा, वरना मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब सुनी हूँ वैसा तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर आपने एमए नहीं किया है तो एमए कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, उदास मत होइए। तो इसी तरीके से कुछ ऐसा कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ होगा। तो क्या लगता है कि आपको मेरी बातें सही लगी कि इसी प्रकार से होना चाहिए कुछ? बाकी एग्जैक्ट डाटा मैं LNMU नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकती हूँ, बस मैं आपको ये बता दी हूँ कि हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि इतनी सारे सीटें रिजर्व इन्होंने पहले ही लिस्ट निकाल दिया था कि इतनी सारे रिजर्व सीटें हैं, बाकी जो बचेगा उसी को मिलेगा, इसलिए आपका एडमिशन यानी कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। दूसरी बात कि आपने कॉलेज भी कम चुना था, आपको मार्क्स के चक्कर में 102 मार्क्स लाए, आपको घमंड के चक्कर में आपने कॉलेज कम चुना, 5-20 कॉलेज चुनूंगा मेरा हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, आपने अब जो किया जो नहीं किया वो अब गया, अब बस आगे के देख ले, आगे की लाइफ अच्छे से बिताइए। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटे बड़े अपडेट को पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।